अगर आके कोई बुलडोजर लेके आपके घर आएगा तो हम आपके साथ हैं, हम आके बुलडोजर के और आपके घर के बीच में हमारे बीआरएस पार्टी के लीडर आके ठहर जाएंगे, ये वादा है आपसे। और एक बात नहीं, और एक बात, मैं डायलॉगबाजी के लिए नहीं बोल रहा, आपके खानों को कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप जब तक एकजुट रहेंगे, आप जब तक इकट्ठे रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आप में से फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को बोलेंगे भाई आपको मैं अच्छा घर दिलाता हूँ चलो, और अगर इसमें से कुछ पांच दस लोग निकल गए तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, अगर एक के घर के पास आ गया बुलडोजर तो सारे लोग निकलो, भगाओ उसको वहां से, वरना नहीं होता है। वरना आपको अलग अलग करके सियासत करेंगे, आपसे अलग अलग करके आपको बेदखल करेंगे। तो इस वास्ते गुजारिश है, आप इस साजिश में मत जाना। आपको बहुत सुनाएंगे, आपके खानों को खुश करने के लिए बोलेंगे, आपके घरों को अच्छे, आपके बच्चों को अच्छा सा अच्छा स्कूल में दाखिल कर देंगे, तालीम अच्छा दिलाएंगे, आपको अच्छा पैकेज दिलाएंगे, अच्छा घर दिलाएंगे, जबरदस्त ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। आप बिल्कुल बिल्कुल भी उनके बातों में ना आओ। और आखिरी में मैं एक और बात भी बोलता हूँ, मैं इसलिए बोला आपकी हक की लड़ाई, क्योंकि 2013 में 11 साल पहले जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, तो वो लोग एक एक्ट लेके आए, उसमें क्या है, जमीन अगर किसी का लेना है गरीब का तो उसको 3 गुना आपको मार्केट का रकम देना पड़ता। अगर ये लेके चलो कि आपका घर आज अगर रजिस्ट्रेशन आपका घर 25 लाख से होता, अगर ये लेके चलो, या 12 लाख से होता, इनको 3 गुना पैसा देना पड़ता। और साथ ही साथ अगर आपको बेदखल करना है तो हर एक घर में एक बच्चे को या बच्ची को एक एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता, एक नौकरी देना पड़ता। और तीसरी बात, आपको वहां से हकालने के लिए 5 लाख रुपया देना पड़ता। ये सब दिए बगैर, आपको नोटिस दिए बगैर अगर कोई आके बोलता कि आपको हट जाना पड़ता, गिरा देंगे हम, किसी सुनने की जरूरत नहीं है। बोलो आप, नोटिस कहाँ है दिखाओ, कौन से एक्ट के अंडर आप आए, क्या जीओ है, क्या गवर्नमेंट ऑर्डर है, क्या चीज है आपके पास, क्या कागज है, बताओ बोलो। आपकी हक की लड़ाई है, या आपकी कोई कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई लाचार होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी हक की लड़ाई है, आपकी घर की मामला है। तो मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सब्र से काम लो, हमारे लॉयरों से मिल लो, वकीलों से, पूरे कागज आपके पास जो है दे दो, आपके लिए हम लड़ेंगे। और जो लीडर है वहां पे आपको आज गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी आप जरा नजर रखो और बोलो उनको, पूछो उनको कि क्या हम लोग करें आपको, आपको हमारी तरफ से क्या तकलीफ हुआ, आपको वोट दिए, आपको लीडर बनाए, आज आप हमारे को बेघर कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं सब, आप जरूर ये सवाल पूछना। और खास से हमारे बहनें पूछेंगी, क्योंकि मालूम है आज हमारे बहनें आप चलाते घर। क्योंकि जब हमारी तकलीफ थी तब तो आए नहीं आप, अब हमारी तकलीफ के बाद हम जाके वहां पर मिले तो हम केडीआर साहब से मिले तो आप यहाँ आके हमारे से बोल रहे, हम बात नहीं करते, जैसे चले जाओगे तो हमारे पास से कोई भी नहीं करेगा जी, कोई भी नहीं करेगा हमारे पूरे ग्रुप में जी, क्योंकि हमारा जिस वक्त साथ देना था उस वक्त हमको कोई नहीं दिया जी, इतने परेशान हम घरे घर परेशान के पीछे से रोने रहे कि पैसा नहीं था हमारा, कि घर आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम ये सोच के रो रहे हैं, लेकिन हमारे को उस वक्त आगे नहीं पूछे। और आज क्या बोल रहे हैं, ये लड़ा के हम बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं, भाई तुम लड़ रहे हैं तो हमारे साथ आप जैसा बैठे उनके भी तो बड़े हमको बताना ना, हमको मीटिंग कराना ना, जैसा आपके पास होगी वैसे ही कराना ना, हमारा भी दिमाग काम कर रहा, हम भी पागल नहीं है, अब तक थे पागल अब नहीं है पागल, हम समझ गए हमारे कौन खैर खा है कौन हमारे दुश्मन है, हम समझ चुके हैं। हमारे लिए ना ये तकलीफ जो दे दिया ना, हमारे घरों से जो इतनी बड़ी तकलीफ, कहाँ जाएंगे और बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे लेके, पूरे बच्चे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में है, कोई प्राइवेट स्कूलों में है, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चों के लिए। अम्मा किसी के शोक के वजह से, किसी के अपने जिद के वजह से आज ये प्रोजेक्ट हो रहा, कौन पूछ रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, गरीबों को बेघर करने के लिए कौन बोल रहा, कोई पूछा क्या हैदराबाद में कि भाई आप पूछ रहे हैं सर,